वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबेटिक्स। दोस्तों, ब्लड शुगर की जो दहशत है वो धीरे धीरे इस देश में कम होती जा रही है। जी हाँ, एक क्रांतिकारी डॉक्टर की मदद से मदद मिल रही है देश भर के डायबेटिक्स को। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। और आज डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। वेल दोस्तों, आप जानते ही हैं ये एक ऐसा शो है जहां आप खुद घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर की बीमारी है, आपके घर में आस पड़ोस में किसी को भी ये बीमारी है और आप भी कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सही उपाय, सही उपचार, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं इन्फेक्शंस एंड ब्लड शुगर के बारे में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, इन्फेक्शंस और ब्लड शुगर के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए अंकिता, जब भी हम ब्लड शुगर और इन्फेक्शंस के बारे में सुनते हैं या लोग आके कंप्लेन करते हैं कि कोई घाव हुआ या इन्फेक्शन हुआ, तो वो ठीक नहीं होता। ये अक्सर इसलिए हो रहा होता है कि जो ब्लड शुगर जब बड़ी होती है, शुगर जब लेवल्स बड़े होते हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया का जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर उसको हीलिंग हो भी जाए, वहाँ पर वो ठीक हो भी जाए, तो वहाँ पर रिकरेंस होने के चांसेस जो हैं बन जाते हैं। तो अगर शुगर बड़ी रहेगी तो इन्फेक्शंस होते रहेंगे और बार बार वो रिकरेंट होते जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो साइकिल है ये ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ये सुनने में आता है कि शुगर पेशेंट्स के इन्फेक्शंस जो हैं वो प्रोलॉन्ग होने के बाद और ख़राब ही हो जाते हैं, ऑर्गन डैमेज तक भी हो जाता है। वेल, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, तो लेट्स टेक द फर्स्ट फोन कॉल। जी हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। जी, मैं अंकिता बात कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं आपकी कॉल डॉक्टर नितिका से कनेक्ट करूँ, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ, यूपी से। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम भगवत प्रसाद वर्मा। नमस्कार वर्मा जी। हाँ जी। हाँ जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? डॉक्टर, मुझे 3-4 साल से शुगर थी। हाँ जी। और फास्टिंग मेरा 110 से 101 से लेकर के 124 तक रहता था। जी। और पीवी मेरा रहता था 242 तक पहुंच गया था। अच्छा जी। तो मैंने आपका प्रोग्राम में 2 महीने से देख रहा हूँ, जब से हमारे डिश आई है। हाँ जी। तो आपके द्वारा जो रेफर की गई थी दवा BGR-34, मैं उसका सेवन पिछले 1.5 माह से कर रहा हूँ। ओके जी। और अभी उससे फिर मैंने आपने मुझे एक बार सजेस्ट किया था कि मैं जो है वो HbA1c टेस्ट करा लूँ। जी। तो मैंने वो टेस्ट कराया तो मेरा उसमें बिल्कुल गुड कंट्रोल में 6.2 आया है, 6.5 के से पहले ही आ गया, मतलब 6.2 ना ही आ गया है। बहुत अच्छी बात है। और अभी आपकी ब्लड शुगर कितनी चल रही है, वैसे आपने टेस्ट करी? जी, मैंने ये वैसे शुगर मेरी 186, जब पहले तो 135 हो गई थी, फिर वो 186 170 165 इस रेंज में चलती रहती है। जी जी। और फास्टिंग? जी। और फास्टिंग शुगर कितनी रह रही है? फास्टिंग तो मेरी जो है 102-103 तक आ गई है। जी, बहुत अच्छी बात है। जी जी। दवा लेने के अलावा आपने और क्या चेंजेस करे? आपने 2 महीने से हमारा शो देखा है, आपने कुछ बदलाव किया अपने लाइफस्टाइल में? जी, सुबह से मैं 15-20 मिनट वॉक करता हूँ। जी। और उसके बाद में जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता करता हूँ, और उससे पहले मैं 2 टैबलेट आपकी BGR-34 की सेवन करता हूँ। उसके बाद में शाम से मैं करीब
30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक वॉक करता हूँ। हाँ जी। और वहाँ से जब आता हूँ तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद 2 BGR की 34 की टेबलेट खाना खाने से आधे घंटे पहले लेकर फिर खाना खाता हूँ जी। और उसके बाद करीब 100-200 मीटर के करीब फिर मैं वॉक करता हूँ फिर खाना खाने के बाद। अच्छा, अच्छी बात है, वॉक भी कर रहे हैं, दवाई भी टाइम से खा रहे हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं पूरा दिन? डॉक्टर साहब, खाने पीने का 2-3 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ मैं लेता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तभी आपके रिजल्ट्स इतने बढ़िया आ रहे हैं, इसको मेंटेन रखना है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हाँ जी, जिस शिद्दत से आपने ये चेंजेस शुरू करे हैं, जो आपने दवाई लेने का, लाइफस्टाइल चेंजेस, वॉक करने का, इसको मेंटेन रखिएगा जी, जी, जी। क्योंकि रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है, इसको मेंटेन रखना है। देखिए, चेंजेस आप ही ने करे हैं, है ना? ये मार्गदर्शन तो आपका मिला है ना मुझे। हाँ जी, आपने कॉल किया, आपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर किए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक आइडियल पेशेंट है, जैसा पेशेंट हर डॉक्टर जिस चाहते हैं कि हर पेशेंट ऐसी मेहनत करें ताकि ऐसे रिजल्ट्स मिल पाए, आपको मिल रहे हैं, आप इसको बिल्कुल बरकरार रखिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी अपना केस मिस्टर वर्मा के केस से सिमिलर लगता है और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और अपनी कहानी, अपना केस शेयर कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि धीरे धीरे ये दहशत कम होती जा रही है। जो अग्नि परीक्षा अपने साथ ब्लड शुगर की बीमारी लेकर आती है, वो अग्नि परीक्षा आपका हाथ थामकर मिस्टर वर्मा जैसे पेशेंट्स पार कर पा रहे हैं। वेल, आपके साथ साथ आपकी टीम के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी बैकबोन है, आप लोग मिलकर काम करते हैं जी। तो आप ही के एक टीम मेम्बर हैं डॉक्टर जुनैद, आइए उनसे मुलाकात करते हैं जी। डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेल डॉक्टर जुनैद, आज इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं इन्फेक्शंस और ब्लड शुगर के बारे में, तो आपसे जानना चाहूंगी कि इस ट्रीटमेंट में, जो ट्रीटमेंट आपके पास है, उसमें क्या इन्फेक्शंस के लिए भी अलग से मेडिसिंस दी जाती हैं? जी देखिए, हम लोग देखते हैं आमतौर पर शुगर का अगर ज़्यादा बढ़ जाना कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस को बुलावा भी दे देता है और उसकी ताकत को बढ़ा भी देता है। तो ऐसे में हम अपने जब इलाज करते हैं अपने सभी रोगियों को, अपने सारे मरीजों को, इस तरह की जड़ी बूटियों के ज़रिए से ताकत देने की कोशिश करते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहे, ब्लड शुगर लेवल उसकी ठीक रहे, और दूसरी तरफ उसकी इम्यूनिटी को इतना अच्छा कर दिया जाए कि बाहर से आने वाले किसी भी इन्फेक्शन को वो ईजिली फाइट ऑफ कर सके, उसको जल्द से जल्द शरीर से बाहर निकाल सके, ताकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी शुगर बढ़ी हुई है तो उनको जो रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं होगा। और डेफिनेटली इसके लिए हम बहुत सारी हर्ब्स इसके अंदर डालते हैं। गिलोय अपने अपने आप में एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। नीम अगर माना जाए तो आयुर्वेद के अंदर एक बहुत अच्छा एंटी इन्फेक्टिव हर्ब माना गया है, जिसको खाने से भी और इवन लगाने से भी दोनों ही कंडीशन में वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इसी तरीके से हम और भी बहुत सारी दूसरी खाने के लिए और लगाने के लिए एंटी इन्फेक्टिव हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे इलाज के दौरान, जिससे कि इन्फेक्शन से बचा जा सके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर जुनैद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वेल आई मस्ट से यू हैव अ वंडरफुल टीम आउट देयर। थैंक यू। वेल इसी पॉइंट पे लेते हैं एक और फोन कॉल जी। हेलो। हेलो, नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हाँ जी मैम। जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम, मेरा नाम जीवस नायक है और मैं पंजाब से लुधियाना से बोल रहा हूँ। नमस्कार जीवस जी। हाँ जी नमस्कार मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैम जी ठीक है मैम, मैं डायबिटीज के बारे में जानना चाहता था। हाँ जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरी मम्मी की उम्र 60 के करीब है, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से है, ठीक है। हाँ जी। तो कभी कभी तो नॉर्मल हो जाती है दवाई खाने से, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो उनमें कमजोरी हो जाती है फिर। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता था कुछ ऐसी दवाई हो जिससे उसकी प्रॉब्लम नॉर्मल रहे, और खाने पीने के बारे में जानना चाहता था कि जिससे उसकी शुगर कंट्रोल नॉर्मल रहे जी। और कितनी रहती है उनकी शुगर अभी फिलहाल, अगर रिसेंटली चेक करिए? हाँ जी, नॉर्मल तो मैं 200 से ऊपर ही रहता है। अच्छा, कभी 300 तक भी पहुँच जाता है जी। काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है ब्लड शुगर। देखिए, जब भी शुगर बढ़ती है तो पेशेंट को अक्सर वीकनेस की कंप्लेंट रहती है,
और हाँ जी, दो तरीके हैं ये वीकनेस को ठीक करने के। एक तो ये कि डाइट में जो उनके पूरे दिन में एनालाइज किया जाए कि क्या उनका खान पान ठीक है, उनके डाइट में वो सभी चीज़ें जा रही हैं जिससे उनको एनर्जेटिक फील होगा। दूसरा ये कि दवाइयों के थ्रू भी ऐसी हर्ब्स दी जाती हैं जिससे कि वीकनेस की कंप्लेंट, शुगर तो ठीक हो ही हो, जो वीकनेस की कंप्लेंट, थकावट हो रही है या उठने का मन नहीं करता है, वो सब चीज़ें भी ठीक करी जाएँ। तो ऐसा दवाई के ज़रिए पॉसिबल है, बट उसको साथ साथ ये भी करना है कि उसके साथ डाइट को भी साथ में देखना पड़ेगा कि डाइट में क्या वो ऐसी चीजें ले रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा खाना पीना है जिसकी वजह से डायरेक्टली शुगर बढ़ रही हो। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उनके पूरे दिन में कोई जैसे कि कुछ भी एक्सरसाइज नहीं है, वॉक वगैरह पे जाती हैं, कुछ करती हैं एक्सरसाइज? वॉक वगैरह कर लेती हैं। आप उनके सारे ब्लड टेस्ट कराकर हमें ईमेल कर सकते हैं और उनका एक डेली रूटीन अगर आप हमें भेज सकते हैं, कितने बजे उठती हैं, क्या खाती हैं, वो सब अगर बताएंगे तो हम उनके रूटीन के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करके बताएंगे कि किस टाइम उनको क्या खाना चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ दवाइयां बताई जाएंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। दोस्तों, ब्लड शुगर के कंट्रोल के लिए मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो गाइडेंस आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। तो फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही बहुत इन्फेक्शन होते हैं, उनका जो इम्यूनिटी है लाइफ में जनरली बहुत लो लेवल पे होता है, तो क्या ऐसे लोगों को ब्लड शुगर की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं आगे जाके? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि जिन लोगों को इन्फेक्शन्स बार बार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, लो है इम्यूनिटी उनकी, जिसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्शन्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं और जल्दी उनको कैच कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर रही है, दैट इज़ वन बिग रीज़न डायबिटीज़ को इन्विटेशन मिलने के लिए, डायबिटीज़ होने के लिए। बट ये भी देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग इम्यून सिस्टम जिनका लो है, अगर उसको ध्यान रखा जाए, अगर उसी के लिए सिर्फ मेडिसिंस ले ली जाएँ, तो आने वाले टाइम में कोई और बीमारियों को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शुगर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट हाँ, एक रीज़न है जो रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं वो लो इम्यूनिटी लेवल्स होने की वजह से डायबिटीज़ को न्यौता दे सकती हैं। वेल डॉक्टर, अगर कॉमन इन्फेक्शंस के बारे में पूछूं तो ब्लड शुगर के पेशेंट्स को अक्सर किस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं? देखिए, दो तरह के इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली सुनने में आते हैं। एक होते हैं स्किन इन्फेक्शंस और दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, UTIs, बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं। और स्किन इन्फेक्शंस इसलिए होते हैं कि अगर शुगर बहुत हाई है तो बॉडी से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति होती है, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इचीनेस और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्रैक्ड स्किन रहती है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट खुजलाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर चोट की वजह से, खुजलाहट की चोट की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं। और अगर हम UTI की बात करें तो अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, मैं तो ये कहूँगी कि UTI रिकरेंट रहता है तो कई बार शुगर डायग्नोज की जाती है। पेशेंट को रियलाइज ही नहीं होता है कि उनको ये UTI बार बार क्यों हो रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाई ब्लड शुगर। वेल डॉक्टर, हर एपिसोड में हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं, धीरे धीरे करके सारी कन्फ्यूजन्स, जितने भी मिथ हैं उन्हें क्लियर करते जा रहे हैं। आई थिंक ये जो मुहिम छेड़ी है हमने मिलके, इसका नतीजा भी दिख रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू अंकिता। चलिए दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप अब भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। ये हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी और एक फ्रेश ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल केयर वर्ल्ड।